आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में कांग्रेस और सीधी सीधी बीजेपी के बीच कड़ी चुनौती भरा चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोलापुर लोकसभा की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार एमएलए परिणीति शिंदे और बीजेपी के एमएलए राम सातपुते के बीच कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जनता के बात क्या है, जनता को क्या चाहिए, इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच जाकर जो है लोक प्रतिनिधियों को ये बात दिखाते हैं। आज हम आए हैं सोलापुर शहर के कुंभारी गांव में, जहां पर बहुत बड़ा एक बड़ा वर्ग बीड़ी कामगार का रहता है। सोलापुर की एक बड़ी पहचान बताई जाती है कि चादर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा व्यवसाय अगर है कोई शहर का तो वो है बीड़ी। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बीड़ी बनाकर अपना रोजगार करती है। उन बीड़ी महिलाओं के बीच क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या वो चाहती हैं इस बार चुनाव में वो मोदी सरकार को जिताएगी या फिर जो है कुछ बदलाव चाहेगी, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करें। आइए चलते हैं उन्हीं के बीच, उन्हीं की जबानी। देखिए ये बहुत सारा एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं। ये घर मात्र 20,000 रुपये में उन्हें मिला है और यही लोग इस साल क्या बदलाव करते हैं क्या नहीं, उन्हीं के बीच जाकर देखते हैं। सोलापुर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार से जो है सोलापुर शहर की महिलाएं बीड़ी बनाकर जो है अपना व्यवसाय कर वो अपना घर चलाती है। यहाँ की बीड़ी वर्कर्स महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या हाल है, किस प्रकार से वो बीड़ी बनाकर जो है अपना गुजारा गुजारती है। क्या नाम है माता जी आपका? कलावती। कलावती, कितने सालों से बीड़ी का काम कर रहे हैं आप? मेरा करने में कितने बीड़ा बनाने पर कितने पैसे मिलते? पन्ना साठ मतलब 1,000 बीड़ा अगर आप बनाए तो आपको 120 रुपए मिलते। 120 रुपए मिलते एक पाँच बीड़ा करते। ये अभी सोलापुर के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहा, कांग्रेस का हाथ, वो कमल का फूल, मालूम है क्या तुमको? मालूम नहीं। नहीं मालूम? नहीं मालूम। वोट डालते क्या? वोट डालते? वोट अच्छा नहीं यार, कुछ लोग वोट डाल। हाँ, क्या चाहते हैं सरकार, क्या करना चाहिए बीड़ी महिलाओं के लिए, क्या करना चाहिए? क्या करते बेरे से काय नहीं। अब साल को पैसे वगैरह महिलाओं को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सरकार? काय देने पैसे नहीं काय नहीं कुछ लोग देते। क्या समस्या, पानी वगैरह सब आता क्या बराबर यहाँ पर? ना पानी आना रहता दोन दिवस तीन दिवस और बहुत सारी महिलाएं हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है हमारे बीड़ी घरकुल में। क्या नाम है माता जी? अनुराधा। अनुराधा, क्या लगता है इस बार चुनाव के बारे में, वोट डालते आप? डालते। ये वोट किसको डालेंगे इस बार आप, कांग्रेस को डालेंगे या फिर बीजेपी को डालेंगे, किसको डालेंगे? कांग्रेस। क्यों? बीड़ा सेवा रहे तो क्या? तो ये बीड़ी कितने सालों से बना रहे तुम? 40 साल। 40 साल। ये घर कब मिला आपको? इधर नहीं रहता। हाँ, गांव में रहता। कितने बीड़ा बनाने के बाद कितने पैसे मिलते? 1,000 बीड़ी बनाते 200 रुपए। 200 रुपए अगर जिसका कार्ड नहीं है उसको 120-130 रुपए देते। अभी माता जी क्या मतलब? बुट्टी बोलते, बुट्टी कारखाना बोलते उसको। कारखाने में क्या क्या देते कारखाने वाले तुम्हारे? पता, तंबाकू देते हैं। हाँ, बोनस अकराजा साल का बोनस अकराजा एक साल का देते हैं। फिर आपकी जो बीड़ी बनाने के बाद जो पगार होती है वो कहाँ मिलती है? बैंक में डालते हैं। कैसा, अठवाड़े को लेते हैं क्या? महीने को। कितने आती महीने को? महीने 2,000-3,000 कितना करते उतना देते हैं। 3,000 में घर चलता पूरा? नहीं चलता। फिर क्या अपेक्षा है मोदी सरकार से, बोलना चाहेंगे क्या इस बार हमारे को पैसे बढ़ा कर दो या फिर राहुल बोलने का बड़ा कर दो क्या? तो कारखाने में डालो कर को वोट दे देंगे। सुनो अभी अभी वोट किसको डालने वाले? मोदी के सवा के में परिषद के सवा शिंदे बोल रहे ना अभी। हां, शिंदे हमार को डालो कर को बोल रहे ना। क्यों डालते फिर उनको? अच्छा करते सब उन बोल रहे हैं ऐसा। फिर मोदी भी अच्छा करे तो देश में क्या करे मोदी? पूरे सड़कें बनाए ना, इतने अच्छे सड़कें बनाए। सड़कें बना तो बस क्या, अठौड़ा एक बार हमारा पागा कराता था, अभी महीना के एक बार करे क्या हुआ? क्या बच्चे वगैरह क्या काम करते तुम्हारे बच्चे? हमारा एक गैरेज काम करते, एक मुंबई करते। ये एक बीड़ी के काम में जितने पैसे मिलते घर चलता? नहीं चलता, हमारा आदमी नहीं आते।
पगार चलता। और माता जी क्या नाम है आपका? आपका शारदा है। शारदा, कितने सालों से रहते हैं? क्या नहीं रहते, हम गाँव में रहते। क्या लगता है इस बार कमल के फूल को बटन दबाएंगे क्या कांग्रेस को? कमल को डालते, कमल को डालते हम। क्यों कमल को डालेंगे? वो सब अच्छा करे ना। क्या अच्छा करे? रोड करे। हाँ। और पैसे उधर तो पैसे मुझे तो बेचने लगे। 15 लाख डाले तुम्हारे अकाउंट? नहीं डाले अभी। पैसे डाले बोरे ना? डाल रहे उधर तो डाल रहे, अभी सोलापुर में डालते ना। फिर रुपए दिए, किसके मिले के किसके नहीं मिले, हमको भी नहीं मिला। 500 रुपए मिले मोदी डाले करके बोले ना। हाँ। हमने एक बार भी नहीं मिले हमको 500 रुपए। फिर भी तुमको हम कमल को डालने वाले? 500 मिले ना? को मिले ना? मिले नहीं थे। अच्छे रहने बस हमारे घर, वो अच्छे रहने हमको घर आने दे। पानी पीने सोप, लाइट बीट सोप अच्छे रहने। पानी कितने दिनों में आता तुम्हारे उधर? अभी हमको दुपकाल में 8 दिन में आ रहा है। 8 दिन तक पानी चलता घर में? घर में चलता हमको। इधर तो 15 दिन में 10 दिन में आता था पानी, वही ऐसा चलाते। फिर अभी फिर हमको उधर आता 5 दिन में एक बार, 4 दिन एक बार पानी आता हमको उधर। क्या लगता है मामा इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस को डालने का है। क्यों? क्यों बोले तो अभी कैसा है, राहुल गांधी आश्वासन दिए से महीने के एक बार दिए। क्यों बोले तो बरस को एक बार, बरस को 1 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे कर को। मोदी जी 15 लाख डाल तू बोले तो क्या? कुछ भी नहीं किया तो अटल बिहारी के वाजपेयी के जमाने में जो रोड का काम था वही किया। अभी ये गली बोल में तो कोई कुछ भी दखल नहीं ले रहा इधर। कौन क्या काम करते तुम? मैं सिलाई काम करता। कितनी पेमेंट? पगार कितनी है? 1500 पड़ता हफ्ते को। हफ्ते को 1500? हाँ। मतलब महीने का 4-5 हजार? 5 हजार पड़ता। 5 हजार में घर चलता? नहीं चलता। हाँ। नहीं चलता ऐसा। इसके लिए बार या तो फिर मोदी को सरकार को वोट नहीं देंगे बल्कि कांग्रेस को देने, कांग्रेस को देने वाला है बारिश जरूर। देखेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जो इस बीडी वर्कर का काम कर जो अपना घर बार चलाती है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है? बाड़मन। बाड़मन, कितने साल के हैं आप? 60 साल। क्या बीड़िया बनाते हैं? 60-60 बनाते, थोड़ा बना। अभी कितनी है पैसे कितने आते हैं बीड़ियों को? करट नहीं, करट नहीं। बानते बानते। कितने जने घर में? 6 जन। 6 जन। क्या काम करते तुम्हारे घर वाले? घर वाले नहीं, नहीं। फिर घर कैसा चलता? चलता, दो बेटे। वो भी बीड़िया बनाते? नहीं बनाते। वोट मालूम है? वोट डालते, इलेक्शन का चुनाव है। किसको डालेंगे? कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुत सारे ऐसे बहुत पार्टियां होती है, उनमें से किसको वोट डालेंगे आप? किसके डालते? हाँ। किसको डालते है? किसको डालने के? वो तुमको मालूम है किसको वोट डालने के? मैं कैसा बोलूँ तुम्हारे को? बोलू तो बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, तो बहुत सारे पार्टी है, किसको डालेंगे? हाथ को। हाँ, कहीं को डालते हैं हाथ को वोट? अच्छा कर रहे तो अच्छा कर। तुम्हारा नाम क्या? माँ जी लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या कहते ये जो बीड़िया वगैरह बनाते यहाँ पर लोग, उतने पैसों में पूरा घर बार चलता क्या? नहीं चलता। क्यों चलता? हाँ। नहीं चलता, वैसे चलाते क्या कर। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार बीड़ी को पेमेंट पगार ज्यादा दे क्या? नहीं दे पगार तो दिया रहा, सब महंगा हुआ ना, सब महंगा से घर नहीं चलता क्या? नहीं ऐसा सरकार बीड़ी के भी पैसे जो 100,000 बीड़ी होना सस्ता भी होना, मजदूरी ज्यादा क्या नहीं, सब लाने का ना, सब सस्ता होना, ये सस्ता हुआ तो अच्छा होता। हाँ, फिर ये सब बीड़ा का महंगा हुआ वो तो यहाँ भी बढ़ा रहे सब। सब तो और भी लोग हैं। खाला क्या नाम है तुम्हारा? शफिया शेख। शफिया शेख, कितने सालों से बना रही बीड़ी? हमें 20-22 साल हुआ। अभी चुनाव चल रहा वोट डालने का, किसको वोट डालने वाले? कांग्रेस का। क्यों कांग्रेस को? क्यों क्या करना इन्हें? कमल वाला क्या करे बोल का, उसके ऊपर क्या भरोसा पकड़ना? इसके असर कांग्रेस को डालने, कांग्रेस को। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है तुम्हारा? वंदना। वंदना जी, क्या उम्र है तुम्हारी? 21। कितने साल से बना रही बीड़ी? 2 साल हो रहा। तुम्हारा खुद का कार्ड है? नहीं, दूसरे का है। कितने देते थे 1000 बीड़ी बनाने पर पैसे? 120। हाँ। घर में और कौन कौन है? सास है, हमें 2 जने। सास और तुम? हाँ। 2 जन का पूरा 120 रुपए में होता? नहीं,
सरकार को क्या अपेक्षा है? सरकार इस बार कौन सी आना, बीजेपी आना, कांग्रेस आना, कौन सी आना? भाजपा आना। भाजप क्या करी भाजप? गरीबान को क्या तो दिलाते नहीं। 15 लाख रुपए डाले रहेंगे तुम्हारे अकाउंट में? नहीं वैसा क्या नहीं, देखिए ना क्या मतलब भाजप को कई वोट डालने वाले, क्या अच्छा काम करे क्या बुरा काम करे क्या करे? अच्छे क्या से तो देखते ना। 10 साल तक कौन थे? 10 साल तक कांग्रेस आया रहेंगे? नहीं बीजेपी था 10 साल तक। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस बार जो है वो कांग्रेस, कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं इस क्षेत्र में। बहुत ही कम पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है यहाँ के लोग, जो है खासकर बीड़ी बनाने के उद्योग पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये बीड़ी बनाकर ही अपना परिवार चलाते हैं। और भी बहुत सारी महिलाएँ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो बीड़ी वर्ग के लिए जाने जाने वाला सोलापुर का एकमात्र बीड़ी घरकुल, जो नया बीड़ी घरकुल के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बीड़ी बनाकर जो है अपना व्यवसाय कर जो अपने परिवार को चलाती है। बहुत सारे सदस्य हैं यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार जो है बीजेपी तीसरी मरतबा हैट्रिक कर पाएगी या फिर उसको कांग्रेस रोकने में कामयाब रहेगी। क्या नाम है माता आपका? अरुणा गेंटेल। क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, इस बार क्या बदलाव होगा या फिर बीजेपी हैट्रिक कर पाएगी? आता है बीजेपी जे आता है लोकशाही अपन असं म्हणतो, पण ते हुकूमशाहीचं सरकार असं आहे। लोकशाही असं आपल्याला सांगतात ते, पण करायचं वेगळं, दाखवायचे दात वेगळे आणि त्यांचे करायचं वेगळं। असं मोदीपासून ते सगळं मी आतापर्यंत ते होत चाललंय दुसऱ्यांदा, आता तिसरा ते हॅट्रिक करण्यासाठी खूप प्रयत्न करू लागले। दिल्लीपासून ते आता गल्लीपर्यंत चाललंय त्यांचं म्हणणं आहे 400 पार करणार, राव पैसा फेको तमाशा देखो असं चाललंय त्यांचं सरकार। काय बघायला जातं का? आपण असं आहे, आपण हे आता जे आता आम्ही पाठिंबा द्यायला लागलो प्रणिती शिंदे, हे लोकांचं गोरगरिबांचं आहे सरकार, आणि त्यांना गरीबवर आम्ही करून खाणारे लोक असं। आणि आडम मास्टर साहेब हे गरीब कुटुंबातल्या जन्माला आलेत आणि गरीबापासून त्यांनी एक केलेत, म्हणून त्या सरकारला पाठिंबा देऊन त्यांनी आपल्या त्यांना हे करून दिलं। लोक म्हणतात हिंदू राष्ट्र ज्या पाहिजे त्यासाठी आम्ही मोदीला मतदान करणार, कसं बघतो याकडे तुम्ही? काँग्रेसला करते। दुसरा काय नाही आपल्याला? काय नाही। काय नाव दादा आपला? रामस्वामी बैरी। क्या लगता है इस बार बीजेपी जीत पाएगी? बीजेपी कुछ देखते थे नहीं जीते क्या? अभी एक सर 10,000 घर को लो हमारा मास्टर साहब तैयार करे, वो मास्टर के पीछे हम सब यहाँ 10,000 लोग और मास्टर के पीछे से रहते। मास्टर जिसको पाटिंबा दिया तो हम सब वहीं पाटिंबा देते, यानी कि मास्टर के कार्यकर्ता सीधा सीधा परिणीति दाई को वोट डाले। हाँ वोट डालते। क्या लगता है मामा सोलापुर का विकास, सड़कें बनी, ये बनी, सब बनी, ऐसा बीजेपी का कहना? बोलते हैं वो अपनी जाहिरात बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ के मामूली मजदूरों के लिए ये सरकार ने क्या किया, महंगाई के लिए ये सरकार ने क्या किया, बेरोजगारी के लिए सरकार ने क्या किया, ये जो सवाल है जैसे के वैसे 10 साल में वैसे ही है। सबसे बड़ा मंदिर बनाया ना राम मंदिर, वो मंदिर क्या है? मंदिर से किसी को गैस सस्ते में मिल रही है? उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया ना? आप बिल्कुल उज्ज्वला गैस सिलेंडर दे रहे, लेकिन उसकी भरने के लिए जो लगता है उसको, वो तो 1,000 रुपए करीब करीब लग रहे हैं उसको, वो क्या कम में नहीं भरा जा रहा? अभी सरकार बोलती है कि हिंदुओं के लिए कर रहे, मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे। क्या हिंदुओं के लिए सरकार ने 2 रुपए में गैस दिया है? क्या चावल आज 50 रुपए है, 2 रुपए किलो दे रही है, या मामूली बाजार में 5 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं? 1 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे, फ्री अनाज दे रहे, कैसा दे रहे अनाज? ये उनका हक है वही दे रहे, जो गरीबों का जो हक है जो उनके पल्ले पड़ता है। अभी देखा हूँ मैं कि दवा के लिए लाइन के लाइन लग रही, इलाज करने के लिए सरकार के पास यंत्रणा नहीं है, सरकार की हालत ऐसी है। इस बार बीजेपी पूरे तड़ी पार होने वाली है। क्या डिमांड रहेगी मुख्य डिमांड? यहाँ की बहुत सारी रहदारी बढ़ रही है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ बनना चाहिए। बहुत जरूरी हॉस्पिटल यहाँ, बहुत जरूरी है हॉस्पिटल, और आरोग्य की सुविधाएं पूरे शहर में कहीं भी नहीं है। आज सिविल जैसी जगह भी जाएंगे आप तो क्या है वहाँ, मामूली खांसी दवा की तुमको दवा मिल जाएगी, लेकिन कुछ बड़ा रहेगा, किसी को अटैक आया है वो डॉक्टर खुद बोलते हैं यहाँ कुछ इलाज होने वाला नहीं है, तुम इसके इलाज के लिए प्राइवेट में कहीं भी जाओ, ऐसी हालत यहाँ की दवा खाने की है। क्या करते दवा खाने लेके? और स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल में पहली, हम जब पहली में जाते थे
फ्री की शिक्षा थी, फ्री की शिक्षा, फ्री शिक्षा है, फ्री की शिक्षा किसको मिल रही है? वो पैसे निकालने के निकाल रहे, स्कूल सरकारी स्कूल है पूरे पूरे बंद होने को आ रहे हैं। सरकार की ये प्लानिंग है, सरकारी स्कूल बंद करो और प्राइवेट स्कूल को भरगोस उसको ये दे दो। लोगों का कहना है कि सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं है, बराबर टाइम पर आते नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे। तुम्हारा अंकुश उन पर नहीं है, इसके लिए वो नहीं कर रहे ऐसा। आप क्या करो, अभी 30 बच्चे आपके एक शिक्षक के पास है, उसका रिजल्ट देखकर उसकी तनख्वाह दो। जब तुम उसका रिजल्ट देखकर तनख्वाह देंगे वो अच्छा काम करेंगे। 10 साल बीजेपी सोलापुर में कैसा काम करे आपको क्या लगता है अच्छा करे? बीजेपी ने पूरा मजदूरों का पूरा पूरा नुकसान किया है। अभी देखो, पहले शुरू में 8 साल की ड्यूटी थी कामगार को, ये सरकार आई ड्यूटी को 12 तास कर दिए। 12 तास करे परवाह नहीं, क्या उस पगार उस हिसाब से पगार बढ़ी है? पगार बिल्कुल नहीं बढ़ी है। वही पैसों में 8 घंटे के पैसों में 12 घंटे काम कर को लो बोलकर तुम पूरे कारखानदार को बोल रहे सो है। ये कारखानदार क्या कामगार को ऐसी छोड़ेंगे? सरकार का कहना है 12 घंटे करने का, खामोश 12 घंटे करो, ऐसी हालत है। इस बार बीजेपी को पूरा तड़ी पार करना है। मामूली गरीब सा गरीब आदमी यही बोलता है कि भाई इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल यहाँ पर बनना चाहिए। ऐसी बहुत सारी महिलाएं यहाँ की आज भी जो है सोलापुर के सिविल अस्पताल में आती है, जीजा माता में आती है। खास अगर हम बात करें महिलाओं की डिलीवरी की, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं, अब ये लगभग लगता है कि 10 सालों से यहाँ पर बस चुका है, लोग आकर यहाँ पर बसे हैं, लेकिन एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। क्या अडम मास्टर की एक प्रमुख मांगनी होगी परिणीति के पास कि यहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाए? हाँ, जेव्हा मीनाक्षीताई साणेचं जेव्हा घरकुल वाटप होतं या ठिकाणी, मग तेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेब इथं आले होते आणि आम्हाला माहीत आहे तेव्हा एकंदरीत स्टेजवरनं बोलले होते की 52 बेडचं हॉस्पिटल आम्ही आज त्या ठिकाणी घोषित करत आहे। जे भंकस योजना होती त्या ठिकाणी भंकसच राहिलेले आहेत। आता आम्हाला वाटतंय की बाबा घरकुल जे तुम्ही आज आलेला आहोत, हे गोहताई पुरुडेकर जे नगर आहे आणि गोहती जी वसाहत आहे, अहो भले कुणाची पण सत्ता असू दे त्या ठिकाणी त्यांना ग्रँड द्यावंच लागतंय। आता जे अफवेवरती जे त्यांनी चाललेलं आहे देवेंद्र फडणवीस साहेब राहू दे त्या ठिकाणी, आता मला हे ॲक्च्युली कळत नाही। मी पण एक एज्युकेटेड महिला आहे की बाबा मोदी सरकार म्हणून म्हणतात, अहो मोदी सरकारच्या ऐवजी केंद्र सरकार तुम्ही टिपण करा ना, केंद्र सरकारच्या वतीने त्या ठिकाणी आम्हाला ग्रँड मिळालेलं आहे। केजरीवालला म्हणतात केजरीवाल सरकार, हा ते तुमच्या गठबंधन मध्ये आहे, ते शोभतं, पण मोदी सरकार तुम्हाला शोभ नाही शोभणार। आम्हाला मोदी सरकार बिलकुल पण शोभणार नाही, भले त्या ठिकाणी केजरी सरकार शोभेल परंतु आम्हाला मोदी सरकार शोभणार नाही। का? त्याचा पण हे आहे डोब्यात। आताच त्या ठिकाणी एक घोषित करून गेलं की बाबा रामाच्या नावानं उदे उदे करू, त्या ठिकाणी रामाच्या नाव घेऊन तुम्ही त्या ठिकाणी जे वनवास भोगलेलं जे राम आहे त्याच्या नावानं तुम्ही उदे उदे करून मतदानाची मागणी करत आहेत, जय श्रीराम म्हणून। अहो प्रत्येक धर्मामध्ये राहू दे, प्रत्येक धर्माची व्यक्ती राहू दे आणि हिंदू धर्मामध्ये राहू दे, त्या ठिकाणी पहिलाच त्यांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी रुजलेलं राम आहे। तुम्ही आता त्यांचं वनवास काढून त्या ठिकाणी अयोध्येमध्ये राम आणलेलं नाही, हे त्यांची दिशाभूल आहे सरकारची, ते दिशाभूल भंकस आहे। आणि प्रत्येक गोष्टीला गॅरंटी हा जो शब्द आहे, नो गॅरंटी, 15 लाखची गॅरंटी होती, अहो हे तर भंकसच आहे हा। 15 लाखाची जी गॅरंटी आहे, आता मला तर ती जोक वाटते हा मोदी साहेबांविषयी। आता त्या ठिकाणी मी पण एक एज्युकेटेड आहे, आता त्यांनी काय म्हणलेलं होतं लॉकडाऊनमध्ये आमच्या महिलांना त्या ठिकाणी आणि अडम मास्टरांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एक मागणी करत होतो त्यांना, लॉकडाऊन भत्ता तुम्ही जाहीर करा आणि अहो किमान 10,000 तर द्या आम्हाला। आणि त्यांनी काय म्हणलं होतं आम्हाला जनधन अकाउंट मध्ये आम्हाला 15 लाख त्या ठिकाणी टाकतो। 10,000ची स्कीम, लोनची स्कीम होती की भाजीवाल्याने दिली, गोरगरिबांना दिली, 10,000ची स्कीम सगळ्यांनी घेतात मोबाईलवरती? बिलकुल पण नाही, एक 4 ते 5 लोकांना त्या ठिकाणी डेकोरेट केल्यानंतर ना प्रत्येक गोष्ट त्या ठिकाणी अवेलेबिलिटी झाली अशा प्रकारे नाहीये। अंत्योदय योजना राहू दे, अटल बिहारी पेन्शन योजना राहू दे त्या ठिकाणी आणि सुकन्या योजना राहू दे, हे सगळ्या गोष्टी आता बंद झालेल्या आहेत। जे फेक योजना जे त्यांचे आहेत ना, ते फक्त काळी मात्र त्या ठिकाणी राहिलेले आहेत। आता त्यांनी सांगू नये असं, आता मला विनंती करायची अशी आहे पूर्ण जनतेला, सोलापूरची जनता मला बघत आहे आणि त्यांचा पण मी आदर या ठिकाणी करत आहे। फक्त इव्हन त्या ठिकाणी प्रत्येक इलेक्शन्समध्ये
एक इमोशन साठी त्या ठिकाणी खेळले जातात फक्त मुस्लिम समाज. मुस्लिम समाजाला त्या ठिकाणी भरकटले जातात त्या ठिकाणी. आणि त्या ठिकाणी फक्त सांगत आहे ह्यांना वोटिंग तुम्ही करा, जातीचे नव्याने ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अटल बिहारी वाजपेयीच्या काळापासून जे स्टार्ट झालेलं आहे मोदी सरकार पर्यंत आतापर्यंत चाललेलं आहे ते त्यांनी बंद करा. सबका विकास सबका विश्वास उन्होंने कहा की मुसलमानों का विकास ये नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, असं का बरं? विकास विकासाच्या नावानं बोंबच आहे. विकास कुठे झालेला आहे आमचं? हा आता जे आपल्याला एनसीपी जे आपली शिष्यवृत्ती योजना होती मुस्लिमांसाठी, खास करून 1000 रुपये महिन्यामध्ये खात्या वर्षाला 1000 रुपये मिळत होते त्यांना, ते पण बंद झालेले आहे. आणि त्यांनी काय म्हटलेलं होतं एक महत्वाचं, आता ते निर्माण करण्याचा प्रश्न म्हणलं तर मला एक सांगायचं वाटतंय. काल एक बाहेर देताना एक बाईनं बोललं आम्हाला हिंदू धर्म ही चाहिए हमको लेके आना है. अहो हिंदू धर्माला कोणी विरोध करत आहे? प्रत्येकाला त्या ठिकाणी धर्म वाटलेला आहे आणि धर्माच्या नावाने तुम्ही वट मागत असेल तर त्या ठिकाणी आम्ही पण सांगू आम्हाला पण मुस्लिम धर्म पाहिजे म्हणून, असं आम्ही मागणार नाही कदापि. आता मला एक त्यांना मोदी साहेबांना एक कळकळीची विनंती अशी करायची आहे, जे गोताई पवळेकर जी संस्था बांधलेली आहे आरम मस्तानी, ते ग्रँड जे दिलेले आहे तेव्हा पण काँग्रेसची सत्ता होती आणि आमच्याकडे सत्ता पण नसताना पण त्या ठिकाणी आम्ही ग्रँड अवेलेबल करून दिलेला आहे. फक्त ते इव्हन आरम मस्तानच्या एकंदरीत कारभारामुळे ते आम्हाला घरकुर प्राप्त झालेलं आहे. तिथं देवेंद्र फडणवीस पण नव्हता आणि भाजपची सत्ता पण नव्हती आणि कोणी पण आम्हाला ग्रँड दिलेलं नाही. रस्त्यावरची लढाई आहे आणि रस्त्यावरती आम्ही भीक मागून घेतलेली आहे, कोणी सरकार आम्हाला दिलेलं नाही हे मी सांगू शकते, हे मात्र नक्की आहे. फक्त माझं वोटिंग राहणार या ठिकाणी काँग्रेसला, नो भाजप. आणि जे एंट्री म्हणताय ना तुम्ही 400 पार करणार मी यावेळेस, तू काय पण पार करणार नाही मी हे सांगणार आहे. क्या कहना चाहेंगे आखिरी में सोलापुर की जनता को इस बार जो है सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को हराए या फिर कांग्रेस को हराए, किसको हराए? भाजप कड़ी पास, 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 भाजप कड़ी पास. तो ये थी हमारे सोलापुर के नया बीड़ी घरकुल की जनता, जो अपने मत उन्होंने सामने रखे कि किस प्रकार से जो है किसी भी समाज में भेदभाव ना हो और साथ ही साथ यहाँ पर एक भव्य हॉस्पिटल की मांग डिमांड वो जो लोग कर रहे हैं स्थानीय लोगों की, बहुत सारी ये सबसे प्रायोरिटी मांग थी कि यहाँ का पानी प्रश्न और साथ ही साथ सड़कें बने और उसके साथ ही साथ अस्पताल एक बड़ा सा भव्य अस्पताल बने ताकि जो है लोग यहाँ से सिटी में ना जा पाए. ऐसे ही लोगों से आगे मुलाकात करते रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके मन में है कि इस बार जो है बीजेपी को तीसरी बार जिताएं या फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखें. कैमरा पर्सन के साथ मैं अकीम मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए जय हिंद.